ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। सो इट सेज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इन द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर फॉर डी टू बी मच ग्रेटर देन ए। आर टेक टू क्यू ए दैट इज इक्वल टू पी विच इज डाइपोल मोमेंट। फाइन। सो जो केस ए है उसमें हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है एंड वहाँ से डी डिस्टेंस पे हमारे पास एक पॉइंट पी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। केस बी में हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू जिनके बीच में सेपरेशन 2a है और ये जो पोजीशन है इक्विटोरियल पोजीशन और यू कैन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमारे पास एक पॉइंट पी है जो कि डी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। और जो थर्ड वाला केस है वो फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है, लाइक आपके पास एक डाइपोल भी है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू और एक पॉइंट चार्ज भी है एंड जो पॉइंट पी है वो डी डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। फाइन। सो जो फर्स्ट वाला केस है वो तो काफी सिंपल है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है। सो डी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेट्स से ई वन वो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी बिकॉज जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, सो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो उससे दूर आएगी। सो ई1 की जो वैल्यू होगी दैट इज सिंपली के क्यू डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है डी उसका स्क्वायर। जो सेकंड वाला केस है उसमें आपके पास एक डाइपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a। सो जो डाइपोल मोमेंट होगा पी राइट दैट विल बी क्यू इंटू 2a एंड इसका जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का वो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो इस डायरेक्शन में आपके पास डाइपोल मोमेंट होगा पी राइट माइनस से प्लस की तरफ और ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यू कैन से इक्विटोरियल पोजीशन पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल दैट इज डी। सो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेट्स से ई टू दैट इज माइनस ऑफ के पी बाय आर क्यू, ये आपको पता होना चाहिए। इक्विटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है डाइपोल के कारण उसकी वैल्यू माइनस के पी बाय आर क्यूब होती है। माइनस क्यों होती है? बिकॉज जो माइनस है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी देखो जो डाइपोल है आपका उसका डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है डाइपोल का माइनस से प्लस, सो उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन कौन सा होगा? ये वाला राइट। सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है के पी बाय आर क्यूब। सो के पी बाय आर, आर क्या है? डिस्टेंस है ना पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल जो कि इस केस में डी दे रखा है। सो के पी बाय डी क्यूब हो जाएगा। सो ये आपका क्या है? ई टू राइट, ये आपका ई टू है। नाउ जो थर्ड वाला केस है उसमें आपके पास पॉइंट चार्ज भी है प्लस क्यू और ये डाइपोल भी है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का। सो आप देखो कि पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है ई वन इस डायरेक्शन में और डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है ई टू इस डायरेक्शन में। सो जो थर्ड वाला केस है उसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वेक्टर सम होगा ई वन और ई टू का जो कि परपेंडिकुलर है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो ई वन और ई टू का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में आएगी राइट ई नेट और ई नेट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ E1 square plus E2 square, because E1 और E2 क्या है? Perpendicular है। आपको क्या लेना है? Vector sum, because electric field vector होती है, right? So it will be under root of E1 कितना है? E1 जो है KQ by D square, so ये हो जाएगा K square Q square upon D raised to the power 4 plus E2 का square, अभी E2 ये रहा, so K square P square, K square P square divided by डी क्यूब है, सो ये डी राइज टू द पावर 6। तो देखो के बाहर आ गया और क्या हम बाहर ले सकते हैं? अगर मैं डी स्क्वायर बाहर लेता हूँ सो अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन आर डी स्क्वायर। सो मैं यहाँ से एलसीएम लेके एक और डी बाहर कर देता हूँ सो के अपॉन डी क्यूब हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। लाइक कैलकुलेशन है, आप खुद से भी कर सकते हो। के की वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू और अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
राइट, आई थिंक इस फॉर्मेट में दे रखा है. फाइन, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक.